अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. नहीं, ये नहीं बोल रहा. अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं हूँ ज़ैनब नुमान. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अदद व्लॉग. और ये पीछे से कौन सा चूहा हमें देख रहा है? ये मेरा छोटा बेटा सिनान आपको पीछे से देख रहा है. एक्चुअली आज संडे है और एक फैमिली डे है. फैमिली तो है नहीं है, मेरे अपने हाउसबैंड को जो है बड़ी मुश्किलों से मनाया है कि हमें कहीं बाहर ले जाएं. तो अभी हम फिलहाल घर से निकले हैं. तो आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी. और आप लोग, जब मैं ये वाला हिजाब करती हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है मेरी दोस्तें, मेरी बहनें, जो मेरी वो पूछती रहती हैं कि आपने ये वाला हिजाब कैसे किया हुआ, ये वाला नकाब. तो मैंने इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर, आप लोग वो देख लीजिएगा. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगी थी आज के ये जो मैंने आज ये वाला लिया है, ये मेरा कोई स्टॉलर कुछ भी नहीं है. ये मेरा जो मैंने सूट पहना हुआ है उसके साथ का दुपट्टा है. और ये मैंने जुगाड़ सोचा, ये बहुत अच्छा जुगाड़ मुझे लगा है. अक्सर औकात जो हम लोग नकाब वाली लड़कियाँ होती हैं जो अबाया पहनती हैं, अक्सर औकात उनके दुपट्टे ऐसे ही रह जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा दुपट्टे नए के नए पड़े रह जाते हैं. हम लोग कहीं आते जाते हैं तो हम दुपट्टा यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, क्योंकि अबाया पहन लेते हैं और साथ में अपना स्टॉलर. तो मैंने ये सोचा है, मैंने ही अभी किया ये शुरू. मैं मुझे अपनी हाथ नहीं लगाओ. अच्छा, तो ना ये आप लोग इस तरह से नकाब करके ना, तो अपना जो सूट के साथ का दुपट्टा होता है वो इस तरह से आप ऊपर ले लीजिए, तो आपका नकाब भी हो जाएगा और आपका दुपट्टा भी काम में आ जाएगा और नए नए स्टॉलर्स भी आपके बन जाएंगे और अच्छा सा लगेगा, है ना? कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा. और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है. मैंने आप लोगों को उस ट्यूटोरियल में भी बताया है आपने क्या करना है. सिंपल आपने एक ये जो है हेड स्कार्फ, जो है हेड हिजाब, इसको रैप करना है अपने हेड पे. एक ये वाला नकाब जो है ना अब स्टोर से मिल जाता है, ये इस तरह से सिर्फ एक है और इसके पीछे ये ना लास्टिक है सिर्फ, ये मैंने ऊपर से इस तरह फिक्स कर दिया. ये लूज भी हो जाता है, इसके साथ खाना पीना भी बहुत ईजी है. ओहो, मेरा मुँह ही नज़र आने लगा था. हमारा प्लान जो था घर से निकलने का वो अर्ली मॉर्निंग का था, लेकिन माशाल्लाह उठते उठते और तैयार होते होते बच्चों के साथ ये टाइम हो गया. अभी दोपहर के शायद 3 बज रहे हैं. क्या टाइम हुआ है? 3 बजने ही वाले हैं. तो हम लोगों ने वैसे नाश्ता बाहर करना था और आप देखें हम क्या करते हैं बाहर. सिनान जाने को सारी मुझे, सिनान आपके ना मुझे एक मैसेज DM भी आया था, वो कि सिनान के बाल कटिंग करवाएं. तो मैं इसके बड़े करने की कोशिश कर ही नहीं है. उसकी टीचर ने भी कंप्लेन किया कि इसके ना बेबी के बाल कटवाएं. तो मुझे आके कहता है मामा टीचर को समझाए, वो मुझे बाल काटने का कहती. तो मैंने एक ये पोनी ही नहीं करता. अच्छा, ये ले क्या देखना. तो ये पोनी नहीं करता करवाता, इसको पोनी वैसे इतनी सूट करती है. जब ये छोटा था मैंने तब भी इसके बड़े किए थे, और अब ये नहीं वैसे करवाता. और कैप भी नहीं आज इसने पहनी, ये गंदा बेबी है. कैप नहीं ना पहनी आपने, खारिश क्यों होती है सर में? कैप पहनने से तो कुछ नहीं होता और ये आपके बाल पीछे को टिक जाएंगे जरा. तो अभी जो है मैंने आज जो मेकअप है थोड़ा ज़्यादा सा कर लिया है. मुझे अच्छा लग रहा था. मैं मस्कारा जो है मैंने भर भर कर लगाया हुआ है लोरियल का. और क्या मैंने किया, और मैंने कुछ नहीं किया. लेंजेस सर लगाए हुए हैं और ये कोई ग्रे से कलर के लेंस है और आई थिंक ब्लू आइज इंस्टाग्राम पे एक पेज है उनसे लिए थे. सिनान जाने पर चुप करें प्लीज़. मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को बोर करी जा रही हूँ. चले हम देखते हैं कि अभी हम आगे क्या करने वाले हैं. आज के दिन का बैरल व्लॉग वी लॉग आपके साथ शेयर करूँगी. अच्छा, मैंने नेल पेंट भी लगा रहा था घर में, मेरे पास टाइम नहीं था. मैं नेल पेंट लगाऊँ अपना जल्दी से. नेल पेंट लगाते हैं और धूप आ गई है मेरे मुंह पर, तो हमारी आ जाएंगी पिक्स बड़ी अच्छी. मैं जरा जल्दी से धूप में पिक्स लूँ. खैर मेरे नेल पेंट किधर गया, मैं जरा आपके साथ शेयर करती हूँ. मैंने तो ये देखिए, ये है नेल पेंट, ये है मेरे पास स्वीट टच का कलरिस्ट. इसमें जो मेरा शेड है वो कहाँ पर लिखा होगा, ये है फन टाइम्स, शायद फन टाइम्स ही है क्योंकि इसका मिट गया आधा आधा. फन टाइम्स के इसका शेड है. ये अल्लाह ये लगाती हैं. तो हम लोगों ने सुबह ही डिसाइड किया था कि हम आज गोगे का नाश्ता करेंगे. तो इतनी ज़्यादा देर हमें घर से हो गई थी, 3 तो बज गए तकरीबन. तो हमें ये था कि शायद मिले ना, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो मिल ही गए. ये शुक्र है हमें बंद नहीं हुआ. संडे है ना एक्चुअली, तो काफ़ी टाइम तक वो चलता रहता है. तो फिर अभी हम गाड़ी में मंगवाने लगे बच्चों का. आधे बच्चों मेरा और सिनान का वोट था कि हम अंदर जाके बैठ के खाते हैं, और अबान का और बाबा का वोट था कि गाड़ी में खाएंगे, अंदर जगह इतनी कोई अच्छी नहीं है. तो बहरहाल यहाँ भी कोई अच्छी नहीं है. मैं आपको सामने से हबस नहीं, अंदर कहाँ से गर्मियाँ चली गई, सर्दियाँ आ गई हैं बेबी. मेरे से नहीं यहाँ पे सही तरह खाया जाता. मैं आप लोगों को कैसे खिलाऊंगी? खुद ही खाना है. ठीक है, चलो दो हम लोग वोट. हम लोग मैं और सिनान जानी का, सिनान नाराज है.
आए 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 गुस्सा आए। अच्छा अच्छा जूता नीचे रखो। तो अभी हमारा नाश्ता आता है तो हम वो खाएंगे। यहाँ पे भी कोई सीन अच्छा नहीं है, ये हनुमान को अंदर का सीन ही ना चला गया था। मैं जरा उल्टा करके वहाँ हूँ, साइड पे एक पार्किंग है। ये देखे माशाल्लाह कौवों का सीन अच्छा लग रहा है। चलें जी हमारा नाश्ता आ गया। मनी इधर मत रखे, ऑयल गिर जाएगा। हमारा नाश्ता आ गया है, ये भूख लग गई हमें, भूख ले लो ले लो सब। उफो गाड़ी में कुछ भी खाना, बच्चों के साथ अकेले खाओ तो ठीक है कोई मसला नहीं है, बच्चों के साथ खाना बहुत मुश्किल है। और नुमान फिर पूछ के भी आए थे अंदर बैठने का, तो वहाँ पे फैमिली हॉल है ही नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था। खैर वैसे पहले हमने किसी ज़माने में मतलब छोटे होते नहीं, जब अबान छोटा था तब हम इसका बहुत ज़्यादा नाश्ता करते थे, तब तो शायद जगह थी। तो अभी बहरहाल हमने एडजस्ट कर लिया। कोफ्ते और अंडे मैंने साथ ऑर्डर किए हैं हमने, तो कोफ्ते बहुत ही मज़े के थे। बहरहाल हमें नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और साथ में नुमान साहब कोक उठा के ले आए थे। मुझे हालाँकि लस्सी पसंद है लेकिन मैं इतनी ज़्यादा ही पहले मोटी हो चुकी हूँ ना खाने खा खा के, तौबा तौबा मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नाश्ता जो है फिनिश कर लिया है और नेक्स्ट स्टॉप हमारा है मामा के घर। हम सिनान ऐसे नहीं बोलते, हम जा रहे हैं मामा को विजिट करने, थोड़ी देर के लिए मामा को मिलने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह ओके जी। तो रात को हम लोग घर आ गए थे क्योंकि अगले दिन बच्चों ने स्कूल जाना था। तो मैं यहाँ पर अपनी जो मैंने नाइट स्किन केयर अभी अपने आजकल स्टार्ट किया हुआ है, मेरा दिल है कि मैं दो प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये है किशमिश का ककम्बर एंड ग्रीन टी मास्क, जो कि बहुत ही बेस्ट है। मैं डेली बेसिस पर ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे इसके मिल रहे हैं। बहुत ही ये देखिए कितनी प्यारी इसकी पैकेजिंग है। और इस पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लिखती है इन लव विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान माशाल्लाह कितना प्यारा उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है। मैं इसका जो पेज है मैंने इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरीज में मेंशन किया हुआ है। तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ जिससे ये बहुत ही ठंडक और कूलिंग इफेक्ट देती है। से बिस्मिल्लाह बिफोर अप्लाइंग, बहुत अच्छी बात है इस पर लिखी हुई है माशाल्लाह। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसको भी खोल कर आपको इसके, तो ये देखिए मैंने इसको खोल लिया है और देख सकते हैं मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ भी कर लिया है। और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और रिज़ल्ट का तो पूछा ही मत। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और ये देखिए इस पे लिखा हुआ है ककम्बर ग्रीन टी मास्क ऑर्गेनिक फेस कूलर है। ये वाकई फेस पे कूलर लग जाता है इसको लगाने से। एक्सीलेंट स्किन मास्क इम्प्रूव्स कम्प्लेक्शन, स्किन टोनर है, स्किन को बड़े अच्छे से टोन करता है, स्किन को रिपेयर करता है। और एक्नी की ट्रीटमेंट वाकई बहुत अच्छी कर रहा है। मैं आजकल इतना ज़्यादा जंक खा रही हूँ और मुझे एक्नी वापस से स्टार्ट हो रही है, जिसका मुझे बहुत गुस्सा है। लेकिन खैर मैं ये वाला मास्क यूज़ कर रही हूँ और अंडर आई जो पफिनेस है उसको भी ख़त्म करता है। और इसके बाद यहाँ पे लिखे लिखा हुआ है कि 100% नेचुरली ऑर्गेनिक मेड है। तो हम लोग अपने घर में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इतने नहीं मिलाकर ऐसा मास्क बना सकते, तो ये टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये यहाँ से आप इसका इंस्टा या व्हाट्सअप भी ले सकते हैं ऑर्डर करने के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा मेरे। तो जी जनाब दूसरा प्रोडक्ट जो क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और इतनी ज़्यादा अपने साथ ड्राइनेस लाई हैं कि इवन जो ऑयली स्किन गर्ल्स होती हैं वो भी सब ड्राइनेस की तरफ चली जाती हैं। तो ये देखिए ये मैंने अभी बाय किया है, ये आपको किसी भी मार्ट से किसी भी शॉप से किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। नेक्स्टॉन का हनी एंड आलमंड एंड लेमन बोलने लगी थी मैं, हनी एंड आलमंड इंटेंसिव मॉइस्चर है, ऑल डे मॉइस्चराइजिंग लोशन। वैसे मैं इसको अपने हाथों और पाँवों के लिए यूज़ करती हूँ, फेस के लिए नहीं करती। नेचुरल सनस्क्रीन भी है इसमें, चलो फेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। 225 ml बहुत ही लाइट वेट है और मॉइस्चराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं हमेशा हमेशा जो वैसलीन वाला होता है वो हमेशा यूज़ करती थी, तो इस दफ़ा वहाँ पे जो एक लेडी खड़ी थी उन्होंने मुझे ये वाला रेकमेंड किया, तो उनके रिकमेंडेशन में मैंने ले इतना बड़ा धमाका किया मैंने इतना बड़ा कोई हाल नहीं मेरा भी इतना बड़ा धमाका हो गया यार अल्लाह। तो उनकी रिकमेंडेशन में मैंने ये लिया तो काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिजल्ट लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग अच्छा इसमें काफ़ी ज़्यादा दूसरे फ्लेवर्स भी इसके आते हैं, जैसे ये हनी एंड आलमंड है तो और भी आएंगे, आप लोग अपने पसंद का ले सकते हैं। गुड हो गया भाई गुड हो गया। आज के व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। अगर और ऐसे ही मज़ीद आपको मेरे व्लॉग्स चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगी इनमें से सारे प्रोडक्ट्स का डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। यहाँ पे एक सेल मेला लगा हुआ है। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।